हेलो बच्चों ये लास्ट लेक्चर है एपिथेलियल टिश्यू का और आज हम लास्ट टॉपिक देखेंगे सेल जक्शन ठीक है सेल जक्शन क्या होता है ये प्रोटीन है जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली फंक्शनली क्या काम है इसका दो सेल को कनेक्ट करने का काम करती है ठीक है सेल जक्शन आर प्रोटीन्स दैट स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली लिंक टू सेल टू सेल या हम इसे बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन दो सेल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सेल्स ठीक है ये मोस्टली कहाँ पजेंट होते हैं एपीथीलियल टिशू में मोस्टली पजेंट इन एपिथीलियल टिशू बट ये मस्कुलर और नर्वस टिश्यू में वे भी पजेंट होते हैं ऑल्सो पजेंट इन मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू इसे ये कितने टाइप के होते हैं तीन टाइप के टाइट जक्शन एडरिंग जक्शन एंड गैप जक्शन पहला कौन सा टाइप है टाइट जक्शन दूसरा टाइप क्या है एडरिंग जक्शन एंड तीसरा टाइप क्या है गैप जंक्शन जो टाइट जंक्शन है यह स्टॉप करता है लीकेज स्टॉप लीकेज बिटवीन टू सेल ऑफ अ टिश्यू ठीक है और यह प्रेजेंट होता है स्टमक यूरिनरी ब्लैडर एंड इंटेस्टाइन में स्टमक यूरिनरी ब्लैडर एंड तीसरा एग्जाम्पल क्या बच्चो? है बच्चों इंटेस्टाइन दूसरा जक्शन है एडरिंग जक्शन ये क्या काम करती है सीमेंटिंग का काम है परफॉर्म सीमेंटिंग प सेल टूगेदर ये कहाँ प्रजेंट होती है स्किन में एंड तीसरा क्या है गैप जक्शन गैप जंक्शन है कम्युनिकेशन का काम करता है कम्युनिकेशन जंक्शन भी बोल सकते हैं इसे हम क्या करता है ट्रांसपोर्टेशन करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आय स्मॉल मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा और ये कहाँ परजेंट होता है नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू में नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू देखो सेल जक्शन का ये याद रखना अच्छे से टाइट जक्शन एडरिंग जक्शन एंड गैप जक्शन टाइट जक्शन का याद रखना लीकेज स्टॉप करता है एडरिंग जक्शन क्या करता है सीमेंटिंग का, का काम करता है एंड गैप जक्शन कम्युनिकेशन का ठीक है यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं थैंक यू